मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों को एक और न्यू इंटरेस्टिंग भाई आज का एक और न्यू वीडियो में, जो कि भाई ये आ चुका है भाई Realme Narzo N60 भाई। तो इसके अंदर तो भाई बहुत सारे गेम का मैंने टेस्ट किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ भाई PUBG का, जो कि भाई PUBG ग्लोबल। और आप लोग बोलोगे कि भाई PUBG ग्लोबल ही क्यों, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर भी भाई बहुत सारे लोग ऐसा है कि भाई PUBG मोबाइल को खेलते रहता है, तो उन लोगों के लिए ये फोन कैसा रहने वाला है, मैं आज इसीलिए ये सब वीडियो टेस्ट करूंगा। तो चलो इस वीडियो को तार पर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैं हूं सुदीप्त एंड यू वाचिंग माय टेक्निकल यूजर्स YouTube चैनल। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को तार पर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस ये आ चुका है भाई बीजीएम PUBG के ऊपर, जो कि भाई आप लोग यहां पे देख सकते हो यार। उसके साथ ही साथ सबसे पहले भाई ब्राइटनेस को फुल कर लेता है, और भाई थोड़ा सा कम करते हैं, नहीं तो भाई फ्लिकरिंग वगैरह हो रहा है भाई कैमरा में, दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले कम कर लेता हूं भाई, गेम को ओपन करता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर भी कैसे कैसे मतलब चल रहा है भाई गेम प्ले वगैरह। तो सबसे पहले गेम को ओपन होते हुए यहां पे मैं ये FPS वगैरह ऑन कर लेता हूं, और आप लोगों को भाई यहां पे सीधा FPS देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई सबसे पहले फोन का टेम्परेचर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है भाई फोन का। उसके साथ ही साथ गाइस अगर बैटरी का बात करें, जो कि भाई 86% पे आ रखा है बैटरी, जो कि सही है। तो चलो देखते हैं कि गेम प्ले लास्ट तक कि कैसे कैसे मतलब FPS वगैरह डाउन होता है या फिर नहीं। तो चलो भाई गेम को ऑन कर लेते हैं भाई, VPN वगैरह ऑन तो कर ही लिया है, तो जल्दी से जल्दी ऑन हो जाए भाई, यही बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहले मैं साउंड को कम कर लेता हूँ भाई, साउंड का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे मतलब सुनाऊंगा ऑब्वियसली, तो कैसे कैसे मतलब कितना ज़्यादा साउंड है या फिर नहीं। और ग्राफिक्स का भी भाई मैं आप लोगों के साथ चेकआउट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये सब बंद कर ले भाई, क्या दिखा रहा है यार देखो, और सीधा अरे भाई बैक हो जा। तो ये देखो, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे सेटिंग के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे भाई आप लोगों को ग्राफिक्स के अंदर चल के भाई आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ एंड अल्ट्रा यानी कि 40 FPS देखने के लिए मिल जाएगा, और भाई HD एंड हाई पे देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि भाई 30 FPS देखने के लिए मिल जाता है अगर HD में खेलोगे तो। तो चलो गाइस अब मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा, अरे भाई ये होम वगैरह क्या देख रखा है भाई, अच्छा ये भी होम के अंदर भी ऐसा कुछ फीचर्स यहाँ पे देख रखा है PUBG के अंदर। तो चलो सबसे पहले भाई साउंड को बढ़ाता हूँ, और भाई आप लोग साउंड के एंजॉय करो। तो गाइस ऐसा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब फुल साउंड के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलो गाइस सबसे पहले इसके अंदर एरिना ट्रेनिंग लगा लेता है, तो एरिना ट्रेनिंग के अंदर देख लेते हैं कि कैसे कैसे चलने वाला है भाई गेम प्ले के अंदर। तो चलो देखते हैं, और उसके साथ ही साथ भाई आप लोग भाई यहाँ पे FPS को चेकआउट करते रहना, क्योंकि FPS के अंदर ध्यान दूंगा तो भाई गेम प्ले भाई मतलब ऐसे ही मैं नूब की जैसा खेलता हूँ, मतलब ऐसा कौन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई, पता है मेरे को। तो चलो, और भाई ये बंद, अरे भाई काट हो जा, और भाई मैं जायरो वगैरह पूरा बंद करके खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने BGMI के अंदर खेला था जायरो भाई बहुत डिले हो रहा था, तो भाई मैंने पूरा बंद ही कर लिया है भाई। ओ भाई चलो एक ही साथ दो बंदे को लाफेटे में ले लिया, साउंड को थोड़ा सा और कम करते हैं, नहीं तो भाई पड़ोसी आके ना मेरे को मार के जाएगा। अरे 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 भाई किल चोरी हो गया, चलो कोई ना मेरा टीममेट ही लिया है। अरे भाई ये बंदा मतलब वो रिस्पॉन का टाइम ही नहीं गया है भाई, मैं गलत चला गया, वैसे भी मेरा भेज नहीं था, चलो कोई ना। इसके बाद भाई इसका टेम्परेचर और बैटरी ड्रेन वगैरह भी दिखाएंगे, और उसके बेटे फोन सूट देगा बेटे। तो जो मैं बोल रहा था गाइस, इसके बाद सीधा इरेंगल का जो अभी मूड चल रहा है, तो उसका अरे भाई हर तरफ से बंदा मार रहा है ये भाई, मतलब इसको लेटने का ही शौक है भाई। ले बैठे, अरे 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 भाई दो बंदे आ गया भाई यहाँ पे, चलो शुक्र है भाई आखिरी गोली में मर गया, लेकिन भाई मेरा भेस्ट देखो एक सेकंड के लिए भाई पूरा गायब ही हो रखा है, मजाक सट गया। और अरे भाई वेक्टर से आके मार दिया, खैर कोई ना, अभी तो भाई 35, 39, 40 ऐसा 38 ऐसा FPS देखने के लिए मिल जा रहा है गाइस।
अरे फिनिश कर दिया, और पिंग भी सही, मतलब पिंग भी हाई दे रहा है, मतलब मेरे को लगा कि अरे भाई वो बंदा मार के चला गया है, 160 का पिंग दे रहा है भाई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यार भाई, रुको मैं फोकस लेता हूँ, ये देखो भाई 157 160 का पिंग दे रहा है भाई। तो चलो इस पिंग के साथ ही भाई हम लोग जीतेंगे, और हम लोग का भाई 34 पॉइंट हो चुका है, 35 हो चुका है, और अभी 5 करेंगे तो भाई हम लोग जीत जाएंगे, और सीधा बूम बम हो गया इसके साथ। अरे भाई वो उस बंदे को मैंने मार दिया, इसका टीममेट आके मेरे को मार के भाग गया भाई, ये तो बहुत गलत सीन हो गया। चलो भाई हम लोग जीत गए हैं, और तुम्हारा भाई ही MVP बन गया है, ये देख सकते हो गाइस। तो इसी के साथ भाई आप लोग यहाँ पे देख लेना, तो इसी के साथ एक एक लाइक कर देना, और अभी बैटरी का बात करेगा जो कि भाई यहाँ पे 85% पे आ चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे अगर बात करें फोन का टेम्परेचर जो कि भाई 41 डिग्री पे आ रखा है। तो चलो गाइस अब सीधा से सीधा अंदर बढ़ते हैं जो कि इरेंगेल का गेम प्ले के अंदर, तो चलो फटाफट भाई लगा लेते हैं। ये मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, होनी, ये देखो भाई हो गया है। तो सबसे पहले भाई देख लेंगे कि यहाँ पे भाई FPS वगैरह आप लोग भाई चेकआउट करते रहना हर वक्त। तो चलो सबसे पहले भाई यहाँ पे कूदेंगे, और भाई कूदते वक्त कैसे FPS देखने के लिए मिल जाएगा वो भाई मैं देख लेंगे। तो भाई सेकंड वाले पे कूदेंगे क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है 157 का पिंग आ रहा है जो कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर इस पिंग के साथ अगर भाई यहाँ पे मैं कूदा ना तो गेम प्ले तो नहीं होगा, उल्टे बेइज्जती हो जाएगा भाई, तुम लोग ही कर दोगे, तुम लोगों को तो भाई नहीं बोलोगे कि भाई पिंग गलत चल रहा है तो ऐसा खेल रहे हो, ऐसा नहीं बोलोगे भाई, बोलोगे सीधा कि तुम नूब हो। और ये देखो हमारा 4 नंबर टीममेट अभी तक ऑफलाइन है भाई, मतलब कौन सा नशे करके आते हैं भाई ये लोग सही में यार। चलो दूसरे वाले पे चलेंगे, और ये तो भाई मैं अकेला जा रहा हूँ भाई, वहां पे अगर ठिल भी गया ना तो कोई बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। और बूम जाम करते हैं जो कि 38 39, ओ भाई साहब 38 39 FPS भाई, एकदम मतलब गजब है भाई, गजब है, मतलब कूदते वक्त भी इतना ज्यादा FPS ड्रॉप नहीं हुआ है जितना कि मेरे को लग रहा था कि भाई थोड़ा बहुत FPS वगैरह ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, सही सही मतलब तकड़ा फोन है भाई। लेकिन डिस्प्ले एक नंबर है भाई, एक नंबर। और भी भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि और भी सारे गेम प्ले मैंने किया है, BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी शायद से आएगा, BGMI तो आ गया है आप लोग जाके देख लेना, और कॉल ऑफ ड्यूटी भाई आगे आएगा, और न्यू स्टेट भी आएगा, तो उसका भी गेम प्ले आ रहा है तो जाके देख लेना। और ये देखो भाई यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ, नहीं भाई 4 बंदे और आया है, चलो एक तो गया और एक बंदे वहीं पे है। चलो ओ भाई ये बंदा भाग गया, देख रहे हो तुम्हारा भाई का ख्वाब क्या, मतलब कोई ख्वाब नहीं है उसके पास, गान नहीं था इस वजह से भाग गया, क्या यार बोलने का जरूरत नहीं है भाई। भाई मेरा पिंग इतना गलत चल रहा है, नहीं तो मैं घुस जाता सही में। और ये रहा बंदे, एक और निहत्ता बंदे, अरे भाई ये कूद गया, चलो कूद गया तो मेरा कोई किल दे दे भाई, और क्या ही कर पाएगा। चलो दूसरे मंजिल पे आया तो किल तो मिल रहा है भाई, लेकिन लास्ट तक देखना भाई, गेम प्ले थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कुछ मतलब जान के जाओगे कि भाई हाँ ये फोन। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे बंदे है,
चलो इस बंदे को भी मार दिया। तो आते ही आते भाई 1v3 कंप्लीट हो चुका है। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत लेट हो गया 1v3 करने में, मतलब इसको 1v3 भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मार तो दिया भाई तीन बंदे को, ऐसे तो बेइज्जती मत किया करो। चलो यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे और भी बंदे होगा। फुट स्टेप तो आ रहा है आप लोगों को वीडियो में समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाई मेरे को एक्चुअली आ रहा है, ये देखो। भाई साहब उसको लगा कि भाई उसको मैं मार दूंगा, और जो कि सही समझा था भाई। चलो इसको मरना ही था तो भाई पहले ही मर जाता, मतलब मेरे को इतना घुमा के ले आने की क्या जरूरत था, है कि नहीं। चलो ये सब अगर फेंक देता है M4, और अगर AKM मिल गया तो भाई AKM चलाएंगे। और बंदे कहाँ है भाई, चार बंदे को तो मैं अकेला ही मार दिया। चलो और भी अभी बंदे आने वाला है भाई, मैं भाई पूरा ऊपर को ही होल्ड करूंगा। देखो बंदा आएगा और मार के घर जाएगा। ओ भाई साहब यहीं पे ही तो AKM गिरा हुआ है भाई। लेकिन ये बंदे कहां पे फाइट कर रहा है, इसके अंदर है क्या। बेटे बहुत गलत सोच लिए थे तुम, बहुत गलत सोच लिया था तुम भाई। चलो अभी देखते हैं टाइटन वगैरह की क्या हाल है। अरे भाई वो भाग गया, कोई ना यहां से पकड़ेंगे इसको। ये TPPFPP कहां से हो गया भाई। लो जी आप मेरे को ये इसका जो क्या बोलते हैं भाई, ये रहा, मतलब मैंने इसका सेटिंग भी नहीं पता है भाई मेरे को कि कैसा सेटिंग है क्या नहीं है। चलो यहाँ पे रहते रहते भाई 6 बंदे को मार दिया हूँ मैंने अकेला ही भाई। मतलब मैं इसको स्लो स्क्वाड खेल रहा था ना, अगर खेलूंगा तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये देखो, और मैं तो ये लास्ट खेला था जब भाई GT60 आया था भाई मेरे पास, तो तब मैंने खेला था, तो उसके बाद से ये अभी खेल रहा हूँ। और चलो ट्राइडेंट को निकाल लेता है भाई, अभी एक बंदा और है टायरेंट को लेके सीधा भाई यहीं से निकल जाएंगे। चलो सबसे पहले स्मोक वगैरह कर देते हैं। अरे भाई इसको टच हो गया, चलो कोई ना। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। P90 दिया है भाई, उठा लो क्या। चलो उठा ही लेते हैं, और शर्माना क्या के। और गाइस यहां से सीधा निकल जाएंगे गाइस। चलो अरे, और यहां पे आया और इस
पे शायद से बंदे होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो चलो चलते हैं उसके अंदर भी, क्योंकि ये सबसे पहले वाला था ना, और अभी तो भाई बहुत बंदे जिंदा है, किल मिल सकते हैं भाई अच्छा खासा। और ओ भाई ये इसके यहाँ पे तो भाई अराकिन भी आ गया है, तो इसके अंदर रहने का कोई फायदा नहीं है भाई। चलो पोचिंग की के अंदर चलते हैं और सीधा तैर पैर फाइट वगैरह करते हैं और देखते हैं। और इस कैमरा के अंदर भी ज़्यादा उतना बैटरी भी नहीं है, तो शायद से मेरे को लग रहा है कि लास्ट तक को गेम प्ले को नहीं दिखा पाएंगे गाइस, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन देखते हैं कि कितना देर तक भाई मैं आप लोगों के साथ दिखा पाता हूँ। लेकिन बंदे लोग है कहां पे यार? ये लोग मार कहां रहे हैं? 3 नंबर भाई साहब, अच्छा वहीं पे मार रहा है। ये तो भाई पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया। और अभी मेरे को बंदा नहीं मिल रहा है। चलो अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर कितना बंदे है या फिर नहीं है। वो देखो भाई वहीं पे हर एक बंदा है, तो चलो चलते हैं भाई वहीं पे फाइट ले लेते हैं। टीममेट भी होगा और सपोर्ट भी मिलेगा गाइस। चलो तीन नंबर ही मार रहा है भाई, लेकिन अभी आ रहा हूं मैं उसका किल चोरी करने। भाई ये गलती से चला गया गाइस। और आ बंदे का बाकी वगैरह गिरा हुआ है। ये रहा भाई, 3 बॉट एक साथ फाइट कर रहा है भाई। बॉट नहीं है, बॉट नहीं है। भाई साहब ये भाई बहुत गलत सीन है भाई। ये क्या सीन हो गया? हर एक बंदा फिनिश हो गया क्या भाई यहां पे? ये बंदा था, बॉट था, क्या था भाई? आप लोग कमेंट में क्या बता के जाना। अरे भाई ये तो बंदा था, मेरे को पता है भाई पक्का। मतलब वो बंदा सोचा था कि भाई मतलब भाग के चला जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है। तो तेरा अंपायर उसको भी फिनिश कर दिया। चलो और भी बंदा आया रखा है यहाँ पे। अरे भाई, अरे भाई 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 साहब, कितना ज्यादा डैमेज कर दिया है भाई। अगर हीलिंग नहीं लगा था ना तो टीममेट तो है भाई, चलो कोई ना, टीममेट बचा लेता, लेकिन कितना टाइम तक गेम प्ले दिखा पाएंगे वही बात है। भाई लेके जा भाई। चलो भाई यहाँ पे चल, यहाँ पे चल। भाई इससे अच्छा तो मैं खुद चला जाता, और मेरे पास किंग डे भी नहीं है। चलो 4 नंबर हमारा टीममेट फिनिश हो चुका है भाई। चलो खत्म। उसी के साथ भाई इसका टीम भी खत्म हो चुका है, निपट लिया है। तो चलो देखते हैं।
और मेरा ये भी खत्म हो चुका है जो एमओ वगैरह होता है। भाई मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि ये बंदा है या बॉट है भाई, ये सारे मतलब डैमेज कितना दे रहा है देखो भाई, 20-30 एचपी छोड़ दे रहा है, इतना खतरनाक बॉट तो मैंने कभी नहीं देखा है भाई। अरे बैठ भाई, कहाँ जा रहा है भाई, क्या सोचा था? चलो भाई स्टिंग डे लेके भाग जाते हैं और उस बंदे को मारेंगे, टका लेते हैं क्योंकि भाई जोन के बाहर है तो जोन भी डैमेज दे रहा है, बंदा भी डैमेज देगा शायद से। तो चलो दे भाई, देखते ही देखते 15 किल भी हो चुका है। और कौन कौन लोग भाई ये पूरा गेम प्ले देख रहे हो वो भाई जरूर से एक बार कमेंट में बता के देना गाइस। खत्म, चलो इसके पास से भाई 5 कैमो तो मिल गया है भाई, बहुत सारे। और भाई जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा अभी, और भाई जोन भी भाई बहुत दूर में है भाई। चलो भाई इससे अच्छा तो मैं गाड़ी लेके चला जाऊं, ये रहा गाड़ी। चलो भाई अभी भी इतना सा जोन के अंदर भाई 47 बंदे अलाइव है, मजाक सट के यार, मजाक चल रहा है क्या भाई? अरे 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 भाई ठोक दिया। मतलब आप लोग खुद देखो कि भाई इतनों सा जोन के अंदर और भाई वो आगे क्या हो रहा है, चलो भाई चल के देखते हैं। अरे भाई ठोक क्यों रहा है इतना गाड़ी को, चलो वो बंद हो गया क्या? हाँ बंद हो गया, लेकिन वो क्या था भाई, उड़ा भाई आगे। अच्छा उसके अंदर कुछ तो लूट वगैरह मिलेगा गाइस। लेकिन बंदा कहाँ मिलेगा भाई, अभी भी 39 बंदे अलाइव है। लैग भी हो रहा है भाई, 39 FPS वगैरह दे रहा है। और गेम के अंदर बीच बीच फाइट के अंदर FPS वगैरह कैसा दिया है आप लोग भाई देख ही लिया है, तो जरूर से एक बार कमेंट में बता के जाना। और अगर कहीं पे FPS ड्रॉप हुआ है तो उस टाइम के अंदर टाइम करके मतलब टाइम को टैग करके जरूर से कमेंट में बता देना, मैं भी भाई देख लूंगा। और जो भी मेरा व्यूअर्स वगैरह है तो उन लोग भी भाई पता चल जाएगा, क्योंकि गेम प्ले बनाते बनाते मेरे को तो भाई देखना मतलब एक्सट्रीम लेवल का इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाएगा भाई। चलो यहाँ पे बंदे हैं, अरे 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 ये तो प्रो बंदा निकला। चलो एक बंदा फिनिश, भाई साहब यहाँ पे बहुत मतलब मरते मरते बचा भाई यहाँ पे। चलो चलते हैं उन बंदे को मारते हैं सीधा और गेम प्ले को खत्म करते हैं। यहीं पे ही थे ना भाई बंदे लोग। अरे भाई गाड़ी का भी फ्यूल खत्म हो गया।
अच्छा हुआ भाई पहले खत्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं खत्म हो जाता भाई। वो देखो भाई उन लोग भाग रहा है। चलो इन लोगों ने मार दिया है। और ये लोग भाई चरा क्यों नहीं रहा है भाई मेरे को गाड़ी में। और भाई अभी टेम्परेचर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ भाई, आप लोग देख लो, जो कि भाई 44 डिग्री पे चल रहा है भाई फोन अभी। और अगर बैटरी का बात करें जो कि भाई 80% पे आप लोग यहाँ पे भाई देख सकते हो, जो कि 80% पे बैटरी हो रखा है गाइस, जो कि सही है। तो चलो भाई देखते हैं कितना देर तक ये मतलब गेम प्ले चलता है, क्योंकि भाई बैटरी भी नहीं है भाई मेरा कैमरे के अंदर। और भाई ये लोग गाड़ी को यहाँ पे बीच रास्ते में रोक क्यों दिया। चलो भाई देखते ही देखते 20 किल हो चुका है। अरे भाई पिंग भी भाई बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का हाई दे रहा है। कहाँ है भाई बंदे कहाँ है। चलो भाई ये तो फिनिश हो गया। और भाई देखते ही देखते 21 किल हो चुका है गाइस। खैर गाइस गेम प्ले को इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि अभी उतना बैटरी का चार्ज नहीं है। तो सीधा भाई कंक्लूजन का अंदर आते हैं, मैं थोड़ा बहुत गेम प्ले को खेल लूंगा, जो कि भाई आप लोग लास्ट बार देख लेना यहाँ पे भाई 44 डिग्री पे पहुंच रखा है बैटरी। और उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को 79% पे ये बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ ही भाई ये जो वीडियो है वीडियो को यहीं पर खत्म करता है। और भाई सीधा कंक्लूजन का अंदर आता है कि भाई आप लोगों को ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो गाइस आप लोग सीधा कंक्लूजन का अंदर देखो। आखिर में जाके तो बीजी पबजी के अंदर तो भाई मतलब चिकन डिनर ले ही लिया, तो बैटरी भाई थोड़ा बहुत चार्ज खत्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा मतलब लास्ट तक वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जो ये रियलमी नार्जो N65 है, इसका जो FPS ड्रॉप और भाई बैटरी ड्रॉप कैसा कैसा था तो आप लोगों ने भाई पूरा वीडियो में देख ही लिया है। मतलब मैं उतना ध्यान नहीं दिया हूँ क्योंकि भाई गेम प्ले के ऊपर ध्यान दिया था। तो चलो कोई ना, आज के लिए भाई वीडियो को यहीं पे ही खत्म करता है। और आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है कि नहीं तो जरूर से कमेंट में बता देना। अगर हेल्पफुल लगता है एक एक लाइक कर देना, और तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ भाई जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे ना तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं सारे फोन को खरीद के आप लोगों के साथ ऐसी तरह का मतलब हर एक गेम का हर एक मतलब रिव्यू कैमरा टेस्ट हर एक चीज में लेके आऊंगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाया करो। तो चले गए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरा चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता आपसे कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर देना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप वॉचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय।